नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में को खास तौर पे जो जानकारी मिलने वाला है अब वो है ओआरओपी प्रीमैच्योर रिटायर्ड पर्सनल को मिलेगा या नहीं। दोस्तों आप जानते हैं प्रीमैच्योर रिटायर्ड किसे कहते हैं। जैसे कि आप फौज में जिस भी ट्रेड में भर्ती हुए, रैंक में भर्ती हुए हैं, उसका एक निर्धारित समय सीमा रहता है, कलर्ड सर्विस रहता है। जैसे कोई सिपाही है तो किसी का 17 ईयर्स, किसी का 20 ईयर्स बेस्ड ऑन देयर ट्रेड एंड ग्रेड। ऐसे ही कोई अगर डायरेक्ट हवलदार में भर्ती हुए हैं तो किसी का 24 साल है, किसी का 26 साल है। कोई कैटरिंग जेसीओ में भर्ती हुए हैं, किसी का 26 साल है, किसी का 28 साल है। और बाद में फिर ये आपका प्रमोशन का साथ साथ आपका कलर्ड सर्विस बढ़ भी जाता है। कोई सिपाही में भर्ती हुए हैं, फिर नायक प्रमोशन हुआ, फिर हवलदार प्रमोशन हुआ, तो उनका सर्विस ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है इन केस ऑफ आर्मी। बट इन केस ऑफ एयरफोर्स वहां पे 20 ईयर्स का फिक्स है। इन केस ऑफ नेवल वहां पे 15 ईयर्स का फिक्स है, फिर आपको एक्सटेंड कराना पड़ता है। पर आर्मी में ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाता है। पर चाहे आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, तीनों में से किसी में से अगर आपका जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है, आपका जो कलर्ड सर्विस है, उससे पहले आप अगर फौज से रिलीज होना चाहते हैं, ठीक है, सर्विस पेंशन लेके आप फौज से पहले रिलीज होना चाहते हैं एट योर ओन रिक्वेस्ट, तो ये प्रीमैच्योर रिटायरमेंट माना जाएगा। पर एक चीज इसमें ध्यान रखिए, जो मेडिकल ग्राउंड्स में निकालते हैं, जिनका लो मेडिकल कैटेगरी परमानेंट है और सिल्टर्ड अपॉइंटमेंट ना लेकर के, यानी कि अनविलिंग टू एक्सेप्ट सिल्टर्ड अपॉइंटमेंट, वो ओन रिक्वेस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दूसरा, अगर आप सिल्टर्ड अपॉइंटमेंट आपको नहीं दिया गया आपका सीओ का द्वारा, वो भी प्रीमैच्योर रिटायरमेंट नहीं है। केवल मात्र आप एप्लीकेशन लिख के मुझे नौकरी नहीं करना है, इस वजह से मुझे घर भेज दीजिए, ऐसे एप्लीकेशन लिख करके और वो सैंक्शन होने के बाद सर्विस पेंशन लेकर के जो लोग आए हुए हैं, वो प्रीमैच्योर रिटायरमेंट कैटेगरी में आते हैं। अब आते हैं कि इस कैटेगरी का लोगों को क्या ओआरओपी ऑथोराइज है। इसको लेकर के जब ओआरओपी का इंस्ट्रक्शन आया था, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इंस्ट्रक्शन है 7 नवंबर 2015। इसके बाद इस विषय में और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया। उसमें क्लियरली पैरा नंबर 4 में बताया गया था, जैसे कि आप देख सकते हैं, पर्सनल हु ऑप्ट टू गेट डिस्चार्ज हेंसफोर्थ ऑन देयर ओन रिक्वेस्ट अंडर रूल 13311B, 13314 और रूल 16B ऑफ द आर्मी रूल 1954 और इक्विवेलेंट नेवी और एयरफोर्स रूल्स विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट्स ऑफ ओआरओपी। यानी कि जो ओन रिक्वेस्ट में रिटायर्ड हुए हैं, उनको ओआरओपी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कब से? 7 नवंबर 2015 से। यानी कि आप अगर 7 नवंबर 2015 से पहले का प्रीमैच्योर रिटायर्ड है, तो आपको ओआरओपी का बेनिफिट मिलेगा, 100% मिलेगा। और इस लेटर का मुताबिक आप अगर 7 नवंबर 2015 का बाद प्रीमैच्योर रिटायरमेंट लेके फौज से घर आए, तो आपको ओआरओपी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये लेटर का कहना है। पर देखिए, ओआरओपी 2 का नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है। जब आ जाएगा, हो सकता है कि उसमें और भी कुछ चेंज करें, हो सकता है उसमें परमिट कर दें, क्योंकि प्रीमैच्योर रिटायरमेंट करके कोई टर्म तो है ही नहीं। है एक टर्म जो है ओन रिक्वेस्ट, जो कि आप देख सकते हैं। तो इस टर्म को, ये जो रूल्स है, इसको अगर हटा दिया जाएगा, तो प्रीमैच्योर रिटायर्ड आफ्टर 7 नवंबर 2015 सबको ओआरओपी का बेनिफिट मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।